अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। जैसा कि मैंने कहा था कि एडजस्टिंग एंट्री का एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा और मेरे ख्याल से कि इस सवाल को करने के बाद इनकम स्टेटमेंट और एडजस्टिंग एंट्रीज के जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में आप 100% से अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वाली वीडियो मतलब जिसमें मैंने कंप्लीट एक इनकम स्टेटमेंट और एडजस्टिंग एंट्री को सॉल्व करना सिखाया था, तो आपने घबराना नहीं है और परेशान भी नहीं होना। इस वीडियो को देखने के बाद आपने करना यह है कि आपने मेरी ये जो सेक्शन सी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की वीडियो है इसको देखनी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से एक ये वीडियो और दूसरी ये इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग एमसीक्यूज, ये वीडियोस को आपने देखना है। यानी एमसीक्यूज की तैयारी के लिए एक ये वीडियो और एक ये वीडियो, सेक्शन सी की तैयारी के लिए एक ये वीडियो। और अगर आपको अब भी प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है, बैंक रिकंसिलेशन में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने बैंक रिकंसिलेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना सिखाया है और वो तमाम एक्सपेक्टेड एंट्रीज हैं जो कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आ सकती हैं। अब चले अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। पहली एंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंटरी वाज वैल्यूड रुपीज 25,000। हमेशा याद रखिएगा कि एडजस्टिंग एंट्री जो एंडिंग इन्वेंट्री की है ना, ये ऐसे ही बनेगी। आपने यहाँ डेट डाल दी 18 December 31 और इसमें आपने कहा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट 25,000 25,000। फिर सैलरीज एक्सपायर्ड, मैंने अपनी पुराने वाली वीडियो में यानी इससे पहले जो सेक्शन सी सॉल्व कराया था उसमें भी कहा था कि अगर यहाँ सैलरीज एक्सपायर्ड यानी एक्सपेंस लिखा हो और ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हो, देखो ये प्रीपेड है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेन सेलेक्ट करने के बाद देखो ये प्रीपेड सैलरी, तो अगर वहाँ ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड हो और डेट ऑफ बर्थ में एक्सपायर्ड हो तो आपने एक्सपायर्ड को डेबिट कर देना और प्रीपेड को क्रेडिट कर देना, यानी एक्सपेंस को डेबिट कर देना और प्रीपेड को क्रेडिट कर देना। एंट्री यही बनेगी, अमाउंट यही आएगी जो कि एक्सपेंस की है। आपने कहा सैलरीज एक्सपायर्ड डेबिट 6,000 और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट 6,000। अनपेड रेंट, मैंने पहले भी बताया कि अनपेड रेंट हो, अनपेड सैलरी हो, तो यहाँ पर आप उस एक्सपेंस को डेबिट करोगे। यहाँ पर रेंट आपका एक्सपेंस है तो आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और रेंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया, वही 2,000 से। अब देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये एंट्री फिक्स है। देखो अनपेड यानी अक्रूड एक्सपेंस, दोबारा बोल रहा हूँ, अनपेड यानी के एक्रूड एक्सपेंस, इसकी एंट्री ऐसे ही बनती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री ऐसे ही बनेगी, बैड डेट्स की एंट्री ऐसे ही बनेगी, यानी फिक्स एंट्री है, सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री भी ऐसे ही बनेगी, फिक्स एंट्री, सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आपके पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट ब्रैकेट में फर्नीचर लिख देना है आपने। अच्छा यहाँ मेरे पास जगह कम थी लिहाजा मैंने यहाँ पोस्ट रेफरेंस से कॉलम में ऐसे ब्रैकेट में फर्नीचर लिख दिया, लेकिन आप इस तरह प्रॉपर कॉलम बनाएंगे कि ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर इसके अंदर ही आ जाए। देन इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीनरी 1,000 आपने लिख दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट मशीनरी, और ये ब्रैकेट आपने यहाँ ब्रैकेट में उसका लिख दिया। देन उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस 800 रुपये, आपने बोला बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 800 रुपये से। एक बात बताता चलूँ, बाद अवकात कहता है कि आप नेट सेल्स पर 1% या 2% बैड डेट्स एक्सपेंस निकाले, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है ये देख के। और उसे कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, आप सेल्स में को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, आपके पास 10% ऑफ सेल आ जाएगा। अगर 1% बोले तो सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1% आ जाएगा। खैर अब मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया कि कुछ पोर्शन आपका फिक्स होता है,
दैट मीन्स नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो रटी रटाई चीजें वो फिक्स होती हैं, वो आप बस लिख लें और जो अमाउंट यहाँ आपको मौजूद है उस डाटा की मदद से उसको फिल कर लें, जो आपको जिसमें आपको मेहनत दरकार है, जिसमें आपको अपनी अकाउंटिंग नॉलेज यूज करनी है, वो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इससे नीचे जो अदर इनकम का कॉलम है वो है। मैं यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनाना आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रखता है। जब भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनाएंगे तो आप यहाँ यानी जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है इसको देखेंगे, देखें कैश, यहाँ आपने अब एक्सपेंस को देखना है। तो आपका पहला जो एक्सपेंस है वो ये रेंट एक्सपेंस है, आपने का रेंट एक्सपेंस 8000 है, लेकिन लिखने से पहले आप देखेंगे क्या डेटा फॉर रजिस्टर में कोई एंट्री मौजूद है, तो आपने कहा रेंट एक्सपेंस 2000 भी है, तो 8 जमा 2 10000 हो गया। फिर सैलरीज एक्सपायर्ड, सैलरीज एक्सपायर्ड आपने बोला सबर उससे पहले देखूं यहाँ कुछ और एक्सपेंस है, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और कोई भी अकाउंट एक्सपेंस का नहीं है जिसके आगे एक्सपेंस लिखा। अब आप डाटा फॉर एडजस्टमेंट में आ जाएंगे, आपने लिखा सैलरीज एक्सपायर्ड 6000, वो आपने लिख लिया। रेंट एक्सपेंस 2000 है, वो आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 है, वो आपने लिखा। फर्नीचर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, ताकि पता चल सके ये फर्नीचर का है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी 1000, वो भी आपने लिख लिया। बजट एक्सपेंस 8800 रुपये, वो भी आपने लिख लिया। आप इन तमाम को प्लस करेंगे और बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इसको माइनस कर देंगे, लिहाजा आपने ब्रैकेट को यूज़ करना है, यानी 19800 रुपये आप माइनस करेंगे किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें कोई भी इनकम दी होगी उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम या नेट इनकम आ जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे, और MCQs की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मॉडल पेपर के MCQs, मेरे एक्सपेक्टेड MCQs और इम्पोर्टेड MCQs, ये तीन MCQs चैनल पर मौजूद हैं और मॉडल पेपर सॉल्व भी चैनल पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, जनरल को देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Till then, Allah Hafiz.